नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। शनिवार का दिन है और शनिवार को दिन रांची में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन होता है। तमाम लोग लालू प्रसाद से शनिवार के दिन मिलते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वरिष्ठ लोग लालू प्रसाद यादव से मिलने आज पहुंचे थे, लेकिन वही लोग जब बाहर निकले और पत्रकारों ने सवाल किया कि आने वाले समय में क्या गठबंधन हो सकता है, तो एक नेता ने इसका जवाब हाँ में दिया। और हाँ में इसलिए दिया क्योंकि आने वाले समय में आप ये खबरें ज़रूर देख रहे होंगे कि बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं यानी तेजस्वी यादव हैं, वो नीतीश कुमार से अकेले में मिलते हैं, वो भी एक दिन नहीं दो दो दिन। वहीं नीतीश कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी गुलदस्ता देती हैं, जिसके बाद इस खबर के बाजार और गर्म हो गए। सर अभी लग रहा है कि दोस्ती कुछ बढ़ रहा है नीतीश कुमार से आप लोग का। ए मोबाइल भाई थोड़ा नीचे कीजिए, नीचे करो। राजनीति में सब संभावना है, समझे? दोस्ती किससे कब हो जाए कब नहीं हो ये कहने की बात नहीं है, लेकिन जी कल तक जो लोग संभावना से सीधे इनकार कर रहे थे, आज संभावना तलाश रहे हैं तो कुछ तो है। अब भाजपा की चिंता उनको इस वक्त थोड़ी देर में समझ में आई कि ये कानून गलत है। वो तो पहले ही नहीं होना चाहिए था देश को, लेकिन उनको जो है वो अब समझ में आ गई कि ये कानून हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, और गांधी के देश में गॉडसे की बात नहीं होगी। उन्होंने अपना कुछ भेजा है, वो सब लिखा है। सवाल है कि लोग अपनी स्थिति समझते हैं कि अगर जातीय जनगणना हो गई तो जितना हम दावा कर रहे हैं वो दावा हमारा फेल हो जाएगा, और जिनको नहीं मिल रहा है, जो जातिगत आधार पर जिनकी संख्या बहुत है उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा मिल जाएगा, इसीलिए वो लोग चिंतित हैं। कौन लोग हैं भाई सर? अब इस बात समझा थोड़ा, तू हो सब समझा। नीतीश जी का जो यू टर्न है, नीतीश जी दोनों मुद्दे पे यू टर्न ले रहे हैं, नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं क्या? देखिए ना, मोबाइल वाला हटा दिया। जो नागरिकता संशोधन कानून बना, CAA बना, तो उसमें संविधान का उल्लंघन है। CAA भाई वर्तमान में जो इन लोगों ने कानून बनाया है, संविधान कहता है कि समता के आधार पर हम नागरिकता देंगे, और CAA कहता है कि धर्म के आधार पर हम नागरिकता देंगे। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चोट है। तो नीतीश कुमार जी ने अभी NRC और NPR के बारे में विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया कि यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन जो खतरा था जी, धर्म के आधार पर नागरिकता देने का, उस पर उन्होंने हाथ उठा दिया और सपोर्ट किया, और इधर विरोध कर रहे हैं। तो हमको उनकी नीति समझ में नहीं आ रही है। वैसे